दोस्तों, सुबह होते ही हमें समझ में नहीं आता कि हम नाश्ते में क्या बनाएं ना बनाएं कि जो कि जल्दी हो जाए। और हमारे बच्चों का स्कूल भी सुबह होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे चावल और चना दाल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का आसान तरीका, जो कि एकदम फटाफट हो जाएगा दोस्तों, कोई भी झंझट नहीं है। स्वागत है आपका अपना स्वाद में, मैं हूँ दीपक और आज हम बनाएंगे कच्चे चावल के नाश्ते। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कटोरी कच्चा चावल लिया है, आप चाहे भी कोई भी चावल का यूज कर सकते हैं। और एक कटोरी हमने चना का दाल लिया है, आप चाहे तो अरहर का दाल, तूर का दाल, कोई भी दाल का यूज कर सकते हैं। और सबको एक तरह मिला लेते हैं दोस्तों, और इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, हम इसे 4-5 घंटे के लिए इसे फूलने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे तो इसे रात में डाल के छोड़ दीजिए। ये देखिए हमारा 5-6 घंटा हो गया है, अब ये देखिए फूल चुका है दाल चावल। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं पानी से। ये देखिए दोस्तों पूरा साफ हो चुका है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसे मिक्सर जार में अच्छा से इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा पुदीने का पत्ता डाल देते हैं और 2 हरी मिर्च डाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे नहीं डाला है। अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो पेस्ट हमारा पूरा पतला हो जाएगा। अब इसे हम एक मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पेस्ट कितना अच्छा तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें हम सब्जी डाल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा चॉप किया हुआ गाजर है, और ये देखिए चॉप किया हुआ शिमला मिर्च है, और देखिए ये भी टमाटर चॉप किया हुआ है। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, और जो भी सब्जी आपको पसंद है बच्चों को वो भी डाल सकते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच नमक लिया है, और हमने 1/2 चौथाई काली मिर्च पाउडर लिया है, और 1/2 चम्मच मैगी मसाला। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसका एक अच्छा सा बेटर तैयार कर लेते हैं अच्छे से मिला के। ये देखिए दोस्तों, इस तरह मिला के हमें अच्छा सा बेटर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसमें और भी मसाला ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों हमारा बेटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। अब ये हमारा 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसका चिल्ला बनाते हैं दोस्तों बेटर का। ये देखिए, ये देखिए हमने चिल्ला बनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है ढोसा की तरह, थोड़ा सा मोटा ही रखना है दोस्तों। ये देखिए, अब इसे अच्छे से थोड़ा मिला लेते हैं ताकि ये चिपके ना। अब इसे हम ढक देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा एक तरफ का लगभग हो चुका है, अब इसे पलट देते हैं। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना, हल्का ब्राउन गोल्डन टाइप का करना है। ये देखिए हमारा हल्का गोल्डन टाइप का हो गया है, अब फिर ढक देते हैं दोस्तों। अब ये देखिए हमारा इधर भी हो चुका है दोनों तरफ, अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। और एक और हम चिल्ला बना लेते हैं छोटा सा, ये बड़ा सा बनाए हैं दोस्तों, अब एक छोटा सा बना लेते हैं। ये देखिए, इसे भी हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ साइज को छोटा कर देना है दोस्तों। ये देखिए हमारा एक तरफ हो चुका है, अब इसे हम पलट देते हैं नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छा बबल आ गया है, ये देखिए कितना अच्छा। अब इसे ढक देते हैं, और ये देखिए दोस्तों हमारा इधर भी लगभग हो चुका है। अब हम इसे, ये देखिए दोनों तरफ पक चुका है, अब हम इसे निकाल के सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। अब हम इसे एक बड़े वाले चिल्ले को 4 टुकड़े में कर देते हैं, क्योंकि ये बड़े टुकड़े खाने में नहीं अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा कितना अच्छा फूल चुका है, ये देखिए एकदम बिल्कुल पिज्जा की तरह लग रहा है देखने में। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमने एक छोटा चिल्ला बनाया था,
ये देखिए दोस्तों हमारा ये छोटा चिल्ला है, ये देखिए और एक और डाल देते हैं, हमने एक और बना के रखा था। ये देखिए दोस्तों अब इसमें हम, आप इसे ग्रीन चटनी का यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे टमाटो सॉस लिया है। ये देखिए दोस्तों हमारा कितना अच्छा चावल दाल का चिल्ला तैयार है, ये हेल्दी भी है टेस्टी भी है। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि हम इसी तरह वीडियो नेक्स्ट बनाते रहें।